हाय दोस्तों, ECHS गुलाबचंद्र यूट्यूब में आप लोगों का स्वागत है। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग दोस्तों गैस कटिंग तथा वेल्डिंग कार्य के बारे में जानेंगे, गैस में देखेंगे कि उसमें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना न हो, और किस तरीके से हमें कार्य करना चाहिए, कैसा व्यक्ति होना चाहिए कार्य करने के लिए, और किसी प्रकार की अगर दुर्घटना होती है तो उसे कैसे हैंडल करना चाहिए, उसके बारे में, उसके प्रिकॉशंस के बारे में आज हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो देखिए क्या होता है, जब भी एक गैस कटिंग वर्क एक हार्ट वर्क के अंतर्गत आता है, तो गैस कटिंग कार्य जब भी करने के लिए जाएंगे तो उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, फायर। फायर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर लगती है तो फायर जो है एक बहुत बड़ा नुकसान जो है करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, देखते भी होंगे, अगर आग लग जाती है तो कितना बड़ा नुकसान होता है, लोगों की जान जाती है, प्रॉपर्टी जल कर राख हो जाती है। इसके लिए जो है कोई भी हार्ट वर्क अगर हम करने के लिए जाते हैं तो हमें पूर्ण रूप से सही तरीके से उसकी सेफ्टी के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, ताकि जो है हम फायर होने से, किसी भी प्रकार का बड़ा हादसा होने से हम उसको रोक सकें। तो दोस्तों अब हम लोग जो है गैस कटिंग कार्य तथा उसकी सुरक्षा के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या क्या हमको करना चाहिए, किस प्रकार से हमको इस कार्य को करना चाहिए, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए गैस कटिंग कार्य परफॉर्म करने से पहले, गैस कटिंग कार्य प्रारंभ करने से पहले हमें एक हार्ट वर्क परमिट ले लेना चाहिए जो सुपरवाइजर अथवा इंजीनियर द्वारा दिया जाता है। उसमें जो है जो भी चीज़ें दी जाती हैं हमारे कार्य क्षेत्र में, उन सारी चीज़ों को बराबर से चेक कर लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए ताकि जो है किसी प्रकार की दुर्घटना न हो। दूसरा जो है, जो भी व्यक्ति गैस कटिंग का अथवा वेल्डिंग का कार्य करने के लिए जाएगा उसे उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी होना चाहिए, उस कार्य के बारे में अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, उस कार्य से होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में भी अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, वही व्यक्ति जो है गैस कटिंग कार्य तथा वेल्डिंग का कार्य कर सकता है। और जब भी हम कार्य करने के लिए जाएंगे तो हमारा कार्य होता है कि सर्वप्रथम जो भी इक्विपमेंट हम यूज करेंगे कार्य करने के लिए उसका पूरी तरह से जांच कर लें। जैसे कि अगर हम गैस सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं तो सिलेंडर में किसी प्रकार का डैमेज नहीं होना चाहिए, और जो सिलेंडर हम यूज कर रहे हैं सिलेंडर का वाल्व होना चाहिए सही तरीके का, उसमें किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं होना चाहिए। सिलेंडर का वाल्व कैप होना चाहिए ताकि अगर सिलेंडर कभी भी अगर किसी तरीके से मिस होता है, गिरता है, तो उसकी रक्षा हो सके, हमारा वाल्व टूटे ना, नहीं तो अगर वाल्व टूटेगा तो बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए जो है हमें गैस सिलेंडर वाल्व कैप होना चाहिए, वो हमको चेक करना है। दूसरा जो है रेगुलेटर जो हम यूज करेंगे, अगर गैस कटिंग का कार्य करें तो रेगुलेटर यूज करेंगे, रेगुलेटर जो है हमारा सही तरीके का होना चाहिए, सही ढंग से कार्य कर रहा हो, उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट या डैमेज नहीं होना चाहिए। जो होज है, होज भी उसमें क्रैक्स नहीं होना चाहिए, कटा नहीं होना चाहिए, कहीं पर जला नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, इसकी हमें पूरी तरीके से जाँच कर लेना चाहिए। और दूसरा जो है जो हम होज यूज करते हैं, देखिए एसिटिलीन के लिए हमारा लाल रहता है और ऑक्सीजन के लिए ग्रीन अथवा ब्लैक जो है होज का उपयोग करते हैं। तो जो होज हम कनेक्शन जहां करेंगे सिलेंडर में, जो हम होज लगाएंगे तो वहां पर हमारा जो है फ्लैश बैक अरेस्टर होना चाहिए, ताकि अगर किसी वजह से अगर फायर बैक मारता है तो उसको वो प्रोटेक्ट करे, अंदर जो है सिलेंडर में न जाने, अगर सिलेंडर में जाएगा तो उधर ब्लास्ट होने का चांसेस रहता है, इसके लिए हमें फ्लैश बैक अरेस्टर का उपयोग करना चाहिए। सिलेंडर जो गैस अपना होजरील जो यूज करेंगे, होजरील का जो क्लिप है वो क्लिप जो है बराबर होना चाहिए, उसमें बाइंडिंग वायर का नहीं उपयोग करना है, बाइंडिंग वायर को उसको नहीं टाइट करना है, हमको उसका जो है क्लिप होना है जो उसी द्वारा उसको फिट करना चाहिए। गैस कटिंग अथवा वेल्डिंग टार्च जो है वो सही कंडीशन में होना चाहिए, उसमें भी किसी प्रकार का डैमेज या क्रैक्स नहीं होना चाहिए, उसका वाल्व जो है बराबर से काम कर रहा हो, और टार्च का नोजल सही होना चाहिए, कर लेना चाहिए नोजल को सही ढंग से साफ करके तभी उसका उपयोग करना चाहिए, और उसमें किसी प्रकार का क्रैक्स या डैमेज नहीं होना चाहिए। और वाल्व जो हम कार्य करने के लिए जाएंगे तो वाल्व जो खोलेंगे जितनी हमें ऑक्सीजन अथवा जितनी एसिटिलीन की आवश्यकता होती है उतना ही हम खोलेंगे। तो इस प्रकार से हमें जो भी गैस कटिंग इक्विपमेंट सामान जो है उसकी पूरी तरह से जांच कर लेनी चाहिए। दूसरा जो है, जो हम अगर लीकेज अगर हमको चेक करना है गैस पाइप में या ज्वाइंट्स पे जहाँ पे, या फिर वाल्व में कहीं पे लीकेज है, तो हमको साफ वाटर का उपयोग करना चाहिए, तो उससे जो है हमें तुरंत पता चल जाता है कि अगर कहीं पे गैस लीकेज है तो तुरंत मालूम चल जाता है।
गैस सिलेंडर को ले जाते समय कभी भी हमें जो है पैर से मार के ढकेलते हुए नहीं लेके जाना चाहिए और ना ही उसके वाल्व में जो है रस्सी बांध कर लेके घसीटते हुए लेके जाना चाहिए। हमें कभी भी अगर लेके जाना है तो उसको जो है हमें ट्रॉली का उपयोग करके लेके जाना चाहिए अथवा खड़ा करके और ट्विल्ट करते हुए उसको जो है लेके जाना चाहिए, जिससे कि उसमें जो है किसी प्रकार की दिक्कत न हो। गैस सिलेंडर को कहीं पर भी अगर इलेक्ट्रिकल बोर्ड है तो उसके पास में या उसके नज़दीक में नहीं रखना है। अगर गैस कटिंग का जहाँ पे कार्य कर चल रहा है तो ऊपर गैस कटिंग का कार्य चल रहा है तो नीचे वहाँ में जो है बाटला को नहीं रखना चाहिए, उसके ठीक नीचे उससे दूर रखना चाहिए, या कहीं पर भी गर्म कार्य अगर हो रहा है तो उसके पास में हमें नहीं रखना चाहिए। और हमारा जो होज है, होज को जो है हमारे रास्ते में नहीं रहना चाहिए, वह एक साइड से जो है आना चाहिए, नहीं तो उस पे से आदमी आएगा जाएगा या कोई सामान लेके आएगा जाएगा तो उसमें डैमेज होने का चांसेस रहेगा। इसके लिए एक साइड से हमको जो है होज को लेके आना है। जब भी हम गैस कटिंग का कार्य प्रारंभ करने के लिए जाएंगे तो उस एरिया को हमको बैरिकेड करना चाहिए। वहाँ पर किसी प्रकार का कम्बस्टेबल अथवा फ्लेमेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसे हमें वहाँ से हटा देना चाहिए। अगर नहीं हटा सकते हैं तो उसे हमें फायर ब्लैंकेट अथवा GI सीट या किसी भी फायर प्रूफ मटेरियल से उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर देना चाहिए ताकि वहाँ पे आग ना जाए। जो कटिंग करते समय कोई अगर मेल्ट होता है, जो स्लैक्स निकलता है, वो वहाँ तक ना जाए और फायर ना हो। और वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर अथवा पानी होना चाहिए कभी अगर आग लगती है, और एक फायर वाचर होना चाहिए ताकि तुरंत जो है अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो वह तुरंत जो है आग को बुझा सके। अगर हम ऊपर कहीं पे कटिंग का कार्य कर रहे हैं, वहाँ से कोई भी चीज़ मेल्ट होके गिरने का चांस है तो हमें जो है फायर ब्लैंकेट का उपयोग करके जगह पर ही उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसे नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर नीचे गिरेगा तो स्प्रीड होगा फाइल के, वो दूर तक जाएगा तो कहीं कम्बस्टेबल अथवा फ्लेमेबल मटेरियल होगा तो उसमें जो है फायर होने का चांसेज रहेगा। PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का उपयोग हमें इस कार्य में जो हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उनका उपयोग करना चाहिए, जैसे कि हमारा सेफ्टी हेलमेट है, ऊपर से अगर कोई भी सामान गिरता है तो उससे हमारे सर की रक्षा होती है, इसके लिए हमें उसका उपयोग करना चाहिए। दूसरा फेस शील्ड है और सेफ्टी गोगल्स है। ये फेस शील्ड और सेफ्टी गोगल्स हमारी आँखों की रक्षा करते हैं। कटिंग का कार्य करते हैं तो उसमें जो है लाइट लगने का चांसेस होता है। दूसरा जो है कभी कभी उसमें से चिटकता है तो हमारे आँखों में सीधा आके लग सकता है, इसके लिए जो है हमारी आँखों की रक्षा के लिए सेफ्टी गोगल्स का उपयोग करना चाहिए। दूसरा जो है हमारा मास्क है, नोज मास्क है, इसका भी उपयोग करना चाहिए। कटिंग करते समय जो स्मोक निकलता है वो हमारे लंग्स को इंजर्ड कर सकता है, हमारे फेफड़े को इंजर्ड कर सकता है, इसके लिए हमें मास्क का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद है हमारा सेफ्टी शूज है। सेफ्टी शूज हमारा पैर की रक्षा करने के लिए होता है। हैवी मटेरियल कोई भी कुछ अगर गिरता है तो वह हमारे पैरों की रक्षा होती है, इसके लिए हमें सेफ्टी शूज का उपयोग करना चाहिए। हैंड ग्लव्स है। हैंड ग्लव्स से हमारे हाथों की रक्षा के लिए होता है। हमें कटिंग कार्य करते समय, गर्म कार्य करते समय हमें हमेशा लेदर का हैंड ग्लव्स ही का ही उपयोग करना चाहिए, जिससे कि हमारे हाथों की रक्षा होती है। और सेफ्टी एप्रोन है, एप्रोन का उपयोग करना चाहिए जब ताकि जो है अगर कोई भी स्पार्क होता है कटिंग करते समय तो वो हमारी बॉडी पे आएगा तो बॉडी में डायरेक्ट जो है हमारी बॉडी को इंजर्ड होने से बचाता है, इसके लिए हमें सेफ्टी एप्रोन का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी PPE का रिक्वायरमेंट है उन सभी का हमें उपयोग करना चाहिए अपने स्वयं की रक्षा करने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों।